नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजिथ्रॉल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एजिथ्रॉल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एजिथ्रॉल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एजिथ्रॉल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजिथ्रॉल टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। एजिथ्रॉल टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान, नाक, गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर एजिथ्रॉल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर एजिथ्रॉल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर एजिथ्रॉल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोगों को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर एजिथ्रॉल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर आपको एजिथ्रॉल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। एजिथ्रॉल एक ब्रांड नेम है। एजिथ्रॉल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है। एजिथ्रॉल टैबलेट 250 mg व 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एजिथ्रॉल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एजिथ्रॉल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में एजिथ्रॉल टैबलेट की वजह से लिवर की टॉक्सिसिटी या हेपेटाइटिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजिथ्रॉल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एजिथ्रॉल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एजिथ्रॉल 250 mg टैबलेट को दिन में दो बार या एजिथ्रॉल 500 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। एजिथ्रॉल टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। एजिथ्रॉल टैबलेट को डॉक्टर 3 दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार लेने की सलाह देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजिथ्रॉल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजिथ्रॉल टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में एजिथ्रॉल टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। वैसे एजिथ्रॉल टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को एजिथ्रॉल टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एजिथ्रॉल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। वैसे एजिथ्रॉल टैबलेट माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एजिथ्रॉल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।